अयोध्या में 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन समारोह होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज लोग शिरकत करेंगे। कोरोना काल में भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर पहले ही विरोधियों के तेवर तल्ख थे। विपक्ष सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब समारोह के लाइव प्रसारण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले इसे लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अब भूमि पूजन समारोह को दूरदर्शन पर लाइव दिखाने का मामला गर्मा गया है। जी हाँ, भूमि पूजन कार्यक्रम को दूरदर्शन पर लाइव दिखाने के मामले पर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भाकपा के नेता विनय विषम ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर इस आयोजन के लाइव दिखाने का विरोध किया है। उन्होंने इसे देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का हनन करार दिया है। उन्होंने लिखा, इससे देश की अनेकता में एकता की छवि को ठेस पहुंचेगी। अयोध्या में राम मंदिर का मामला काफी समय तक विवाद और धार्मिक कट्टरता के चलते वैमनस्य का सबब बना था, इसलिए देश की सार्वभौमिक अखंडता की रक्षा के लिए भूमि पूजन समारोह को राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दिखाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले आयोजन का लाइव प्रसारण करने का फैसला किया है। वहीं लाइव प्रसारण से पहले भी भूमि पूजन को लेकर सवाल उठ चुके हैं। विपक्षी दलों ने कोरोना काल में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को गलत बताया था। विपक्ष का कहना है कि भूमि पूजन कार्यक्रम में करीब 300 लोग शामिल होंगे, जो मौजूदा दौर में मुसीबत को बढ़ा सकता है। ऐसे में अब कार्यक्रम के दूरदर्शन पर प्रसारण को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। देखना होगा इस मामले पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।